हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अ न्यू टॉपिक एडी करंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, एडी करंट है। एडी करंट हमने प्रीवियस क्लास जो है उसमें डिस्कस किया था कि किसी कोयल से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होता है तो उस कोयल में इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर यही मैग्नेटिक फ्लक्स किसी बल्क पीस ऑफ मेटल और बल्क पीस ऑफ ए कंडक्टर उससे लिंक्ड है और उसमें वेरिएशन हो रहा है, देन व्हाट विल बी हैपन। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a bulk piece of conductor changes, then a circulating current produces in the conductor, it is known as eddy current। conductor के bulk piece से linked अगर magnetic flux में variation होता है तो उसमें एक circulating current produce होता है। जैसा कि हम इस diagram में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, magnetic flux जब change हो रहा है तो circulating current प्रोड्यूस हो रहा है। दिस सर्कुलेटिंग करंट इज नॉन एज एडी करंट। एडी मीन्स भंवर। अगर हम पानी में पत्थर मारते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसमें भंवर बनता है, सर्किल बनते हैं वेव्स के। सेम पैटर्न जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, अगर बल्क पीस है मेटल का और कंडक्टर का, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर वेरिएशन होता है तो उसमें भी क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, विच इज नॉन एज एडी करंट और फौकॉल्ट करंट। That it is a metallic block and there is a variable magnetic field incident on this metallic block, linked with metallic block. Then circulating current produces in this metallic block and this circulating current is known as eddy current. Eddy current, it is the circulating current induced in the bulk piece of conductors when magnetic flux changes linked to it. इन दिस डायग्राम वी हैव ए कॉपर पाइप। हमारे पास एक कॉपर पाइप है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट पीस जो है उसको फोल्ड करवा रहे हैं। व्हेन मैग्नेट पीस पासिस थ्रू दिस कॉपर पाइप, देन एडी करंट प्रोड्यूसेस इन दिस कॉपर पाइप। इस कॉपर पाइप में क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट की मोशन को क्या करता है, अपोज करता है और उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अगर हम इसी को दूसरे डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कॉपर पाइप जो है उसके अंदर हम मैग्नेट को फोल्ड करवा रहे हैं, तो ये मैग्नेट जो है जब तक कॉपर पाइप से पास होगी उसमें वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। What is the phenomena of electromagnetic damping? When a magnet passes through a metallic pipe, magnet जो है वो metallic pipe से pass होती है। In this diagram, lower end of the magnet north pole, upper end south pole. When this magnet passes through this pipe, then a circulating current produces in the pipe. और ये circulating current जो है इस type से होगा कि मैग्नेट के नीचे जो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो उसका अपर फेस जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, विच अपोजेस द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। एंड ऊपर के पार्ट में जो सर्कुलेटिंग करंट है वो इस टाइप से प्रोड्यूस होगा कि उसके अंदर नीचे का फेस जो उसका होगा वो भी क्या करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। एंड दिस नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ड्यू टू विच द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्लो डाउन। मैग्नेट की मोशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, मीन्स इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट जो है उसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं। नेक्स्ट, एडी करंट्स आर यूजफुल इन मेनी वेज दो दे हैव सम डिसएडवांटेज टू। एडी करंट्स जो है उनकी जहाँ पे एडवांटेज है उसके साथ साथ उसके अंदर क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं।
Some of important applications of eddy currents are, number one, electromagnetic damping, which is used in deadbeat galvanometer. Electromagnetic damping means in deadbeat galvanometer, eddy currents are used to stop the damping of the coil in a shorter interval. डेडबीट गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर जो कॉयल है उसकी डैम्पिंग को शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में स्टॉप करने के लिए इसको यूज किया जाता है. सेकंड एप्लीकेशन, इंडक्टेंस फर्नेंस. इंडक्टेंस फर्नेंस, इन इंडक्शन फर्नेंस एडी करंट्स आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग आयरन कोर एटसेट्रा. मेटल्स जो हैं उनसे एलॉय बनाने के लिए उनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, जिसके लिए क्या यूज करते हैं, इंडक्टेंस फर्नेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज इज मैग्नेटिक ब्रेक्स. मैग्नेटिक ब्रेक्स जो है वो क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में होते हैं, जो उसकी एक्सेल की रोटेशन को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, दैट इज ऑल्सो नॉन एज एनर्जी मीटर्स. इन एनर्जी मीटर्स एडी करंट्स आर यूज टू मेजर द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन जो है उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक मेटालिक डिस्क होती है जो रोटेट करती है बाय यूजिंग ऑफ एडी करंट्स. नेक्स्ट स्पीडोमीटर. इन स्पीडोमीटर एडी करंट आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल. व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है उसको मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर में एडी करंट्स यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज इंडक्शन मोटर. दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स. एडी करंट्स की एप्लीकेशन है और सीबीएसई एग्जाम जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, ओनली एप्लीकेशंस मेंशन करनी है. इनका एक्सप्लेनेशन आप हायर क्लास जो है उसमें स्टडी करोगे वो लिखनी है. सम ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स आर, नंबर वन, द अपोज द रिलेटिव मोशन. एडी करंट्स जो है वो क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं. सेकंड, द इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. एडी करंट्स जब प्रोड्यूस होता है तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है उसको डिसिपेट करते हैं, मीन्स एनर्जी लॉस होता है. नेक्स्ट इज द एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक द इंसुलेशन इन द अप्लायंस एंड रिड्यूस देयर लाइफ. एडी करंट्स जब प्रोड्यूस होती है तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसके अंदर क्या होता है, हीटिंग होती है, जो उसके अंदर क्या होता है, इंसुलेशन जो है उसको ब्रेक कर देता है और अप्लायंस जो है उसके लाइफ को रिड्यूस कर देता है. दीज आर द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स. नेक्स्ट, हाउ कैन वी मिनिमाइज द एडी करंट्स. एडी करंट जो है उसको हम किस टाइप से मिनिमाइज कर सकते हैं. द मेटल कोर टू बी यूज इन एन अप्लायंस लाइक डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, चॉक कॉयल, मोटर एटसेट्रा इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स. जो भी हम कोर यूज करते हैं, मेटेलिक कोर जिस अप्लायंस में यूज करते हैं, उसके अंदर ये जो मेटेलिक कोर जो बनाई जाती है वो एक बल्क पीस की ना बना के उसके अंदर क्या करते हैं, थिन शीट्स जो है उसको यूज किया जाता है. यहाँ पे इस डायग्राम में क्या किया गया है, एक ट्रांसफॉर्मर जो है उसके कोर को रिप्रेजेंट किया है और इस कोर को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, रेक्टेंगल थिन मेटल शीट्स यूज की हैं और इसके अंदर ये जो सिंगल शीट होती हैं इनको क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है, एंड दीज आर नोन एज लेमिनेटेड कोर. ईच शीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर बाय इंसुलेटिंग वार्निश. इंसुलेटिंग वार्निश जो है उनसे इनको क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है. लार्ज रेजिस्टेंस बिटवीन द थिन शीट्स कन्फाइंस द एडी करंट्स टू द इंडिविजुअल शीट, हेंस द एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट. ये जो थिन शीट्स हैं इसके अंदर क्या है, एडी करंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है उसका क्या हो जाएगा, कोर का इंक्रीज हो जाएगा और एडी करंट्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम देखें तो बल्क पीस जो है उसके अंदर क्या है, एडी करंट जो है वो लार्ज अमाउंट में है और जब हम शीट्स का यूज़ करते हैं तो एडी करंट जो है एक शीट का
जो है वो उसी शीट के अंदर क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कन्फाइन हो जाता है, उसको एक कंप्लीट लॉन्ग पाथ नहीं मिलता है, जिससे एडी करंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल हीटिंग इफेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हीट जो प्रोड्यूस होती है वो करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हम एडी करंट को डिक्रीज करेंगे तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर हीट लॉस इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेटेलिक कोर यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर या डायनोमो वगैरह में, उनके लिए क्या करते हैं, हम थिन शीट्स जो है वो यूज़ करते हैं।